सन स्टार्ट टीवी, मैं हूं आपके साथ बिल्कुल माहेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे देश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 47,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देखा जाए तो पिछले दिनों की तुलना में 12% से ज्यादा देश में कोरोना के आंकड़ों में तेजी देखी गई है। देश में फिर कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है। तीसरी लहर के खतरे के बीच कोरोना के आंकड़ों में तेजी से उछाल हुआ है। पिछले दिन से 12% नए केस दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 24 घंटे की बात की जाए तो 47,092 मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। 24 घंटे में 509 लोगों की जान भी जा चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 35,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो देश में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहे हैं। लगातार सक्रिय है। दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज बारिश देखने को मिल रही है, और इस बीच मौसम विभाग की ओर से सितंबर महीने के मध्य में तेज बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग की ओर से तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। सितंबर में बादल जमकर बरसे, सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने सितंबर के मध्य में भारत के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग की माने तो बताया जा रहा है कि सितंबर में बादल जमकर बरसेंगे, सामान्य से अधिक बारिश होने का पूरा अनुमान है। हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि अगस्त के महीने में सामान्य से 24% कम बारिश दर्ज की गई। तालिबान लगातार डर रहा है, लेकिन तालिबान पंजशीर से लगातार खौफ में है, डर में है, क्योंकि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ चुकी है, लेकिन एक अकेला प्रांत पंजशीर है जो तालिबान से लोहा ले रहा है, तालिबान से जंग लड़ रहा। देखा जाए तो बीते दिनों तालिबान और पंजशीर के नेताओं के बीच बातचीत की गई थी, लेकिन ये पूरी बातचीत विफल रही और इसके बाद लगातार जंग जारी है। तो वहीं पंजशीर की ओर से ये दावा किया गया है कि उसने तालिबान के करीब 300 से ज्यादा लड़ाकों को मार दिया है। तालिबान पंजशीर से डरा है। तालिबान की ओर से नॉर्दर्न अलायंस के बीच बातचीत की गई, लेकिन फेल रही, जिसके बाद से जंग जारी है। और खबर मिल रही है कि पंजशीर में 300 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकू मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के बाहर निकलने पर तालिबान हवा में गोलियां चलाकर जश्न मना रहा है, जबकि अकेला तालिबान विरोधी प्रांत पंजशीर क्षेत्र के पहाड़ों में मजबूती से खड़ा है और इसका नेतृत्व अहमद मसूद कर रहे हैं, जो कि महान प्रतिरोध नेता अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। देखा जाए तो पंजशीर पर अब तक तालिबान कब्जा नहीं कर पाया है और इस वक्त भी पंजशीर लगातार तालिबान से लोहा ले रहा है। बारिश का रेट लगातार जारी है। बीते दिनों में दिल्ली में तेज बारिश देखने को मिली, जहां सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई, तो वहीं कई गाड़ियां भी बंद हो गई। इसके साथ ही यातायात जाम की स्थिति भी दिल्ली में पैदा हो गई, लेकिन अगले 2 घंटे भी मौसम विभाग ने दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान जताया है और दिल्ली में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश का दौर लगातार जारी है। दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भर चुका है। सड़कों पर पूरी तरह से ट्रैफिक का बुरा हाल है और जलभराव के चलते गाड़ियां बंद पड़ी है। वहीं मौसम विभाग की ओर से भी आज दिल्ली में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि दिल्ली में अगले 2 घंटे में तेज बारिश का अनुमान है। देखा जाए तो दिल्ली NCR में एक बार फिर तेज बारिश का दौर जारी है। पूरी तरह से सड़कें जलमग्न हो चुकी है, जहां एक तरफ प्रशासन की पोल खुली है, तो वहीं राजधानी दिल्ली को येलो अलर्ट पर रखा गया है। लहर लगातार बढ़ रही है और स्थिति लगातार बदल रही है, और इस बीच जापान सरकार की ओर से मॉडर्ना की वैक्सीन पर रोक लगा दी। ऐसा पहली बार नहीं बल्कि 4थी बार है जब जापान की ओर से मॉडर्ना वैक्सीन पर रोक लगाई गई। जापान कोरोना की बड़ी लहर से गुजर रहा है, ऐसे वक्त पर इस महामारी से लड़ने वाली वैक्सीन पर जापान ने रोक लगा दी। दरअसल जापान ने मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन पर रोक लगाई है और इसी सप्ताह ये 4थी बार है जो जापान ने कोरोना के इस वैक्सीन पर रोक लगा दी। कानागाव प्रांत की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि विदेशी चीजों के जांच के दौरान पता चला कि मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन के एक वॉयल में काले रंग के कई कण पाए गए हैं। मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन में काले रंग के कण मिलने के बाद ही इस वैक्सीन पर जापान ने रोक लगाई है, लेकिन देखा जाए तो अब तक मॉडर्ना के इस वैक्सीन को 3,790 लोगों को लगा किया जा चुका है और इसके बाद इस टीके को बेचने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई।
देश विदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे सन स्टार।